जो आरा से चल करके आए हैं, मैं चाहूंगा कि बहुत ही समाज सेवी है और अजात पासवान जी का बड़े भाई है, जय सहले। श्रद्धेय सम्मानित सभा के सभापति जी, हम लोग के नेता बड़े भाई परशुराम राजभर जी इस मंच के सुशोभित करने वाले कार्यक्रम के उद्घाटन करता, हम लोग के नेता प्रनेता पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक उत्तर प्रदेश के गरीबों के रहनुमा जुआ हृदय सम्राट आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है सहृदय धन्यवाद देते, साथ ही प्रिय छोटे भाई शाहबाद पर क्षेत्र के युवाओं के दिल के धड़कन, युवाओं के जन जन के नेता क्रांति विरदास पासवान इस धरती पर विराजमान हैं, साथ ही उनके सहयोग में हरेंद्र राजभर जी हम लोग के समाजवादी नेता, समाज के दलित शोषकों के लड़ाई लड़ने वाले अभिभावक इस धरती के चंद्रमा पासवान जी के स्वागत करते हैं, साथ ही अशोक सिंह जी बखोरापुर अभिभावक हम लोग के दीनानाथ राजभर जी, वीरंगना बिमला देवी जी, स्वर्देव भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय पूर्व मंत्री प्रकाश राजभर जी का पुनः अपना भरतपुर के धरती से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही हमको निमंत्रण मिला, हम कहे कि जरूर आएंगे, बहुत हम नाम सुने हैं। भारतीय जनता पार्टी एक समय में मंत्री जी रहा करते थे, इन्होंने मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ में पूरे भारत के कोने कोने में जन जागृति दलितों शोषितों पिछड़ों के बीच में संदेश देने का काम किया। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का इतिहास हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है, हम लोग जरूर बक्सर के धरती से आते हैं, भरतपुर में रहते हैं साथियों, और समंतियों जुलमियों शोषण करने वाले को खिलाफ ओम प्रकाश राजभर लाल बहु पासवान जैसा नौजवान लड़ाई साथी लड़ता है। कान खोलकर सुन लीजिए, मनुवादियों ने ब्रह्मवादियों ने सजग त्रेता द्वापर से लेकर आज तक शोषण और जुल्म करते आया है, उसको बर्दाश्त किया नहीं कहीं नहीं किया जा सकता। साथी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आधुनिक भारत में जब जन्म लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज ए ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ हिज टाइम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अपने समय के महान विद्वान थे, उन्होंने भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे, भारत के संविधान में दलित शोषितों के आरक्षण का प्रावधान किए, दलित शोषित वंचितों के आरक्षण का प्रावधान किए, यानी डिप्रेस क्लास के लोगों को। डिप्रेस क्लास का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी, दलित आदमी, दबा आदमी, दबे कुचले लोगों को भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान किए। और आज देश चलता है गीता और रामायण महाभारत कुरान से, देश नहीं चलता है भारत के संविधान से देश चलता है। आप भूलिए मत, मैं कहना चाहता हूँ बिहार के धरती के नेताओं से, दलित पिछड़ों के हिमायती करने वाले वंशवाद परिवारवाद करने वाले, आपके वंशवाद परिवारवाद को लाल आजाद पासवान जैसा आदमी, ओम प्रकाश जैसा वीर नौजवान आदमी मंत्री जी हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आपकी माँ ने दूध पिलाने का काम किया है तो लाल बहु पासवान को एक पानी नहीं पिया है। चुनौती के साथ हम लोग कहते हैं बिहार के हुक्मरान करने वाले नेताओं, कान खोल सुन लीजिए, हम लोग आवाज आपके तक नहीं पहुंचती है ना। देखिए उत्तर प्रदेश के धरती से आकर प्रकाश बाबू जन सैलाब, माताएं और बहने हमारी, नौजवान साथी और किसान मजदूर यहाँ पर उपस्थित है, आंख खोल कर देख लीजिए, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के मानने वाले एक भी मोटा मोटा कुर्ता पहन करके जैकेट लगा करके यहाँ पर कोई प्रांगण में नहीं आया हुआ है।
इस हिंदुस्तान के गरीब के माटी से जन्मे हुए, गरीब के माटी से जन्मे हुए, जहाँ के जनशील अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, जो आरजे ग्रुप में आकर के भारत के गद्दी पर बैठ करके जो हुकूमत कर रहा है, हुकूमत कर रहा है, हुकूमत चला रहा है, उस हुकूमत को हम लोग साथी उखाड़ कर फेंकेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी से, सलाम बाबू, ओम प्रकाश राजभर जी से हमको डर है, लाज है, इसलिए मंत्री महोदय जी पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने 23 वर्ष आदरणीय रामविलास पासवान को छोड़कर के और नीतीश कुमार के झंडे तले 23 वर्ष से चल रहे हैं, उनके कान में आवाज नहीं जा रहा है। 6 गो लोकसभा का सीट है बिहार के धरती पर, 40 में उनको दिखाई कौन दे रहा है? आदरणीय लालू प्रसाद गरीबों के मजिया बनने वाले ओम प्रकाश जी का चरण हम लोग इस धरती पर लाए हैं, इनको चरण को कोई उखाड़ने वाला नहीं है। जो हमारे साथियों को, जो हम लोग को खेलने का काम करेगा, काट कर सुन लो, पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन के लोग करेगा के खोने के धरती पर बहेगा, हम लोग कदम पीछा हटाने वाला साथी नहीं है। हमारे इतिहास है, हम इस जिला में 36 वर्ष से रहते हैं, हमारा इतिहास है। आदरणीय कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, आदरणीय एमपी साहब के पास जाते हैं, बेहिचक खुलकर दिल काम करते हैं, पासवान जी आपका गरीबों का काम होगा। हमारे नेता प्रनेता जो ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोग इन्हीं के माध्यम से राजभर करके संदेश देना चाहते हैं। पीछे के लोग सुन लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी आप आगे चलिए, थोड़ा सा मत हिचकिए, मैं उस रास्ते पर हम लोग चल रहा हूँ। जय महाराज, फिर भगत सिंह राजगुरु से उसका नाम नहीं हो रहा है, किसका नाम हो रहा है? गांधी परिवार के नाम हो रहा है, वंशवाद को कान को सुखा कर फेंकना चाहती हूँ। हमारे बुद्धिजीवी शासन प्रशासन के लोग, मीडिया के लोग सुन रहे हैं कि भाई लाल बाबू पासवान जी बोल रहे हैं, कोई दुर्वक नहीं है, हमारे हक अधिकार को आप नहीं छेड़ सकते हैं, नहीं छीन सकते हैं। हम लोग जागरूकता लिया है, हम लोग पढ़ने लिखने का काम करते हैं, हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत के कानून में विश्वास रखते हैं। आप जाइए माँ बहने घर में, अपने अपने बेटी और बेटा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मंत्र को पढ़ाने का काम कीजिए, शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। समय के भाव है, सारे हम लोग अपना जवानी ओम प्रकाश राजभर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। साथियों, यहाँ से हमारा बात आगे निकल करके विद्वान, यहाँ पर राजनीति का मर्मज्ञ विद्वान हमारे नेता नीतीश कुमार है, इसलिए गरीबों को, स्वस्थों को, मुचार का डोम को मुखिया बनाने का काम किया, वार्ड बनाने का काम किए, जिला परिषद बनाने का काम किया, चेयरमैन बनाने का काम किया, संवैधानिक पद पर नीतीश कुमार ने बैठने का बैठाने का काम किया। साथ हम नहीं भूल सकते हैं, कांग्रेस के सरकार था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई नहीं दिया, और डोम के वोट बेटा बहुत बताओ, देकर स्कॉर्पियो से चलता है तो लाल बाबू पासवान के मन खुश होता है, किसका देने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं, आप लोग घर घर जाकर के लड़ाई लड़ना है, संवैधानिक पद पर बैठना है। इन शब्दों के साथ सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर अगली कड़ी में चाहूंगा रंजीत राय।